बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल यह है कि कई राज्य अभी कोटा में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके लिए बसें भेज रही है, तो क्या बिहार सरकार ने अभी वही फैसला लिया है कि बच्चों को नहीं लाना है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के स्तर पर कोरोना वायरस के संभावित खतरे की समीक्षा करते हैं और परसों ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहानाबाद के पंचायती राज के प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि प्रवासी से बात होती है तो हाँ, वो क्या बोलते हैं? तो कहते हैं आने के लिए, तो हम कहते हैं कि आइएगा तो क्वारंटाइन होइएगा, तब वो कहते हैं प्रवासी की नहीं, क्वारंटाइन नहीं। तो प्रधानमंत्री जी इस पर कहते हैं कि आप उन लोगों से सीधा संवाद करते रहिए, गांव के लोग अगर बात करिएगा, ये परेशानी है, परिवार से दूर हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लागू किया है ना, और उन्होंने इसकी कोई दवा नहीं है अब तक, ये संक्रमण है। आप देख रहे हैं मुंगेर, नवादा, बिहार शरीफ की घटनाओं में एक व्यक्ति संक्रमित होता है, कैसे उसका चयन होता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय यह है और हमारे बच्चे हैं, स्वाभाविक हमको भी चिंता है, सबको चिंता है। अब तो 5-7 दिन का ये मामला है, उसके बाद समीक्षोपरांत सरकार तमाम सवालों पर निर्णय लेती है। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे कि संक्रमण से लड़िए, और वह संक्रमण से लड़िएगा तो वह भावी पीढ़ी भी बचेगी, खुद भी बचिएगा, गांव भी बचेगा, बिहार भी बचेगा। बच्चे अनशन पर बैठ गए हैं, उसके साथ साथ विपक्ष के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी अनशन पर बैठ गए। नहीं, वो तो 2 घंटा का अनशन किए थे, उनके बारे में देखे हैं तो उनको तो अनशन से ज़्यादा बेहतर मेरा सलाह है कि अपना उनका संपर्क है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वैज्ञानिक से संपर्क करके इसकी कोई दवा हुआ ईजाद कराने में अगर कि इसके लिए उपवास करते, मौन रहते तो ज़्यादा बेहतर होता। और उससे भी बेहतर है कि सेवा करें, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें कि सेवा करें, लोगों को समझाएं। ये बताइए कि बिहार के लिए कितनी बड़ी चिंता की विषय है कि हाल के दिनों में काफ़ी संख्या में जो कोरोना मरीज की संख्या है वह सामने आ रहे हैं। ये चुनौती बरकरार है और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि एक तरफ मरीज ठीक भी हो रहे हैं, हम घर घर सर्वे भी करवा रहे हैं, हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ट्रैकिंग भी कर रहे हैं और माइक्रो लेवल पर तमाम तथ्यों की जांच भी कर रहे हैं इसलिए। लेकिन संख्या बढ़ना हमारे लिए चुनौती है, और एक व्यक्ति आता है उससे अपने परिवार को भी संक्रमित कर देता है और लोग भी परेशानी में पड़ जाते हैं। लेकिन बिहार की जनता का खास करके ग्रामीण इलाकों में जो स्थिति कायम है, लोग इतने सजग हैं, सतर्क हैं, संवेदनशील हैं कि हमारी उम्मीद है कि इस जंग में हम जरूर जीतेंगे। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, आपको क्या लगता है कि यह समय है कि लॉकडाउन अब पूरे देश में खत्म हो जाना चाहिए या इसको और भी आगे बढ़ाना चाहिए? इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करते हैं। 12 मार्च से हमने COVID-19 से मुकाबले की रणनीति तैयार कर ली और कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड बनाया और इसके संबंध में हम पूरी कार्य योजना और केंद्र सरकार से हमारा समन्वय सवाल पर है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री समीक्षा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी समीक्षा करते हैं। तो अभी तो 3 मई की लंबी अवधि है, अभी तो 9 दिन बाकी है, तो जब यथास्थिति के अनुसार राज्य सरकार अपनी भावना को व्यक्त करेगी और उसी अनुसार फैसला लेगी। केंद्र सरकार ने कहा जो इलाके ग्रीन जोन में आते हैं वहाँ सभी दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन बिहार में अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है कि वो माइक्रो लेवल पर चीज़ों की समीक्षा करते हैं, जो जमीनी स्तर पर सूचनाएं होती हैं वो विभिन्न जो प्रशासनिक महकमे हैं उसके आधार पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये खतरा बड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से उन तथ्यों पर जो भी मार्गदर्शिका आती है, गाइडलाइन आती है, लेकिन सरकार उसकी समीक्षा करके ही निर्णय लेगी। सरकार समीक्षा करेगी उसके बाद निर्णय लेगी, यानी कि आज भी सरकार की एक अहम बैठक है और उसके बाद फैसला होगा कि बिहार में किन किन इलाकों में सभी दुकानें खुलेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।